हाय फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे सीमा गंजू के साथ सीमा के साथ मुझे अभी याद भी नहीं कब बहुत पहले की बात है मेरे बिगिनिंग ईयर्स में हम मिले थे एंड uh, सीमा का बेटा आयुष बहुत ज़माने पहले अराउंड आई थिंक बीस उन्नीस साल पहले याद की याद बात शायद है? है ना तो उन्नीस साल पहले हम लोग मिलते थे डिस्कशन करते थे कुछ मुझे याद है शायद हमने ग्रुप सेशंस भी साथ में किए थे और अब सीमा पेरेंट तो हैं ही बट उसके साथ वो एक ऑटिज्म इंटरवेंशनिस्ट भी हैं तो पूछते हैं सीमा से कि अगर वो इंट्रोड्यूस कर सके तो आप उनको बेहतर समझ सको सीमा सो नाइस टू मीट यू हैव यू यर थैंक यू सो वेरी मच आप अपने बारे में कुछ बताओगे Yeah, yeah. Thank you so much, Rina, for having me. And I want to say Namaste to everyone who's watching. तो मैंने अपने आप को Uh, मैं पहले क्या थी ऑटिज्म मॉम होने के पहले मुझे शायद भूल गया है बट uh, अब टोटली डेडिकेटेड ऑटिज्म इंटरवेंशनिस्ट सो मेरी जर्नी में तो ऑफकोर्स जैसे सब करते हैं आई हैड एन ओल्डर सन वो बड़ा वाला uh, पांच साल का था जब आयुष पैदा हुआ और फिर यू नो दैट्स हाउ जर्नी स्टार्टेड तो अब तो इतना टाइम हो गया एंड लाइक रीना सेड आई मेट रीना इन 2005 जब विभा कृष्णमूर्ति ने मुझे कहा कि अगर आपको कोई गाइड कर सकता है तो वो है रीना सिंह एंड दैट्स हाउ आई मेट यू रीना सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड इट्स वेरी नाइस टू कम एंड स्पीक टू पेरेंट्स थ्रू यू सो सीमा आपने को बताओगे कि बिगिनिंग में क्या साइंस थे जिसके वजह से आपको लगा कि आयुष डेवलप नहीं हो रहा है जैसे बाकी बच्चे डेवलप होते हैं सो so, रीना uh, जैसे मैंने बताया मेरा पहले भी एक बेटा था और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा गुरूर भी हो रहा था कि आई सीम टू बी अ परफेक्ट मदर क्योंकि वो उसके माइलस्टोन्स बहुत अच्छे आ रहे थे बहुत जल्दी उसने पढ़ना लिखना सीख लिया तो मुझे लगा कि आई हैव मेड इट एज अ मदर फिर क्या हुआ कि जब आयुष पैदा हुआ सब कहा था कि जब एक पहले तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो दूसरा तो ऐसे ही बड़ा हो जाता है तो मैंने भी वही देखा कि आयुष शुरू में बहुत सतर्क बच्चा बहुत अटेंटिव बच्चा था सबके साथ मिलना जुलना आई कांटेक्ट ये चीजें थी तो कुछ एक साल तक तो लगा ही नहीं फिर धीरे धीरे लगने लगा कि बहुत पर्टिकुलर बच्चा है हर चीज अपनी जगह पे हर चीज लाइन अप करना हर चीज तो वो भी मुझे एक अच्छी खूबी लगी मुझे लगा अरे वाह ये तो इस पर तो काम ही नहीं करना पड़ेगा फिर लेकिन धीरे धीरे बाय द टाइम वो डेढ़ साल का हो गया हमने नोट किया खिलौनों के साथ तो खेलता ही नहीं है ये रिमोट लेना लाइटर लेना पुराने जितने भी लाइटर थे उनके साथ खेलना तो हमने सोचा चलो शायद इसको प्ले स्कूल में जल्दी डाल देते हैं तो डेढ़ साल पे ही प्ले स्कूल में डाल दिया फिर धीरे धीरे लगने लगा कि ये तो कुछ बहुत तेजी तेजी से बोलता है फिर मेरा बड़ा वाला जो था उसने कहा मम्मा ये वो नर्सरी राइम को थ्री फोर टाइम्स स्पीड में बोल रहा है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा सो ही वेंट फ्रॉम दो वर्ड से जैसे मामा दे दो दादी दे दो टू तो जिबरिश तो उसके पहले अगर मैं पूछती कि बेटा बॉल कहाँ है तो दिखाता था ये रहा बैट कहा अगर पूछो तो कहता था आज तक बच्चो अच्छा बच्चा सब जिबरिश हो गया और सिर्फ एक्ोलेलिया मतलब जो कोई पूछ रहा है वो रिपीट करना और स्कूल में तो सबको बड़ा वो अच्छा लगता था कि मैम कितना स्वीट है कितना क्यूट है मगर मेरे तो अंदर कुछ हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है तो बाय द टाइम दो साल का हो गया मैंने कहा नहीं अब तो मुझे किसी को बताना है तो भी करते करते पता करते करते ही वॉज टू ईयर्स नाइन मंथस ओल्ड जब तक कि आ, उसका ये हुआ यू नो डायग्नोसिस हुआ ऑफिशियली माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म दृष्टि एंड आई थिंक दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब हमने ये वर्ड सुना

Parents क्या सोचेंगे या जो भी तो आपका क्या रिएक्शन था क्या आपने फैमिली के साथ डिस्क्लोज किया नहीं किया और क्या व्यू पॉइंट है आपका कि फैमिली के साथ डिस्क्लोज करने से सपोर्ट मिलता है या जजमेंट मिलती है सो आई बिलोंग टू बहुत ही सारे डॉक्टर्स हैं तो इनिशियली तो जब हमें ये मिला जब हम सामने बैठे थे डॉक्टर देसाई के और मेरे हस्बैंड का तो जैसे चेहरा ही वो चेंज हो गया और घर आके तो जो रोए हैं और मेरा ऐसा था कि आ, देखो आई नो माई केड ही है हम देख लेंगे तो मेरे लिए वो एक ऐसा ये नहीं था कि दुनिया खत्म हो गई या कुछ हुआ तो मेरे लिए तो मे बी डिनायल था या जो भी था मगर मैंने कहा नहीं मुझे पता है ये लड़का ब्राइट है तो ठीक है संभाल लेंगे तो घर पे आके जैसे आपने बताया हमने लोगों को कहना शुरू कर दिया मेरा तो ये था जबकि इन लॉज मतलब कुछ तो था कि क्यों सबको बता रही हो अभी ठहरो और देख लो मगर मेरा था कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं फैमिली में अमेरिका में जो भी हैं उनको बता दिया फिर लोगों के फोन आने शुरू हो गए और कोई रो रहा है फोन पे एक, एक बुआ रो रही है एक आंटी रो रही है कि हमारा दिल टूट रहा है हमने ये सुना है तो मुझे लगा नहीं ये तो लगता है कुछ बड़ी चीज है क्योंकि शायद अमेरिका में ज्यादा जानकारी थी इस बारे में फिर uh, मैंने कहा चलो ठीक है इसके बारे में पढ़ लेंगे एंड जैसे उस टाइम पे था रीना की अगर आपको डॉक्टर विभा कृष्ण मूर्ति के साथ अपॉइंटमेंट चाहिए आज आप फोन करो तो नौ महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलती है तो उतना टाइम तो था नहीं वेट करने को मगर देन बिकॉज माई हजब डेंटिस्ट कुछ आई थिंक डेंटिस्ट डेंटिस्ट से निकाल के तो डॉक्टर कृष्ण मूर्ति मेटल्स उन्होंने मुझे समझाया देखो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है आपको मैं रीना सिंह से मिलवा दूंगी और आप एफ एफ ए जाके ये आप बुक्स वहां पे देख लो क्या है एंड दैट इज हाउ मैंने वहां गई और वहां से सारी जितनी भी किताबें थी मैंने कहा मेरे को फोटो कॉपी करके चाहिए एंड uh, फिर थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो ल, लगा कि ओहो ये तो काफ़ी गंभीर सिचुएशन है एंड माई हजब मील द फर्स्ट थिंग टोल्ड मी आई रिमेंबर इज मैंने एक चीज पढ़ी है कि जिन फैमिलीज में ऑटिजम होता है ना वहाँ डिवोर्स नाइनटी फाइव परसेंट होता है <laughs> तो उनकी अपनी फिक्र थी बट आई एम टेलिंग यू वो दौर मुश्किल था कि आपस में समझ लेना क्या होगा क्या नहीं होगा एंड कहीं जाके मेरे बेटे ने भी मेरी मदर से कहा था मम्मी मुझे लगता है इसका ऑटिज्म ना मेरी वजह से है हुआ है अब देखो एक पांच साल के बच्चे को मतलब जब तक आयुष का डायग्नोसिस हुआ ही बस एंड हाफ मगर उसकी भी साइकी में हमने ध्यान नहीं दिया मगर कहीं ना कहीं उसने देखा कि कभी मार हो रही है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है उसने नानी को बोला क्योंकि ये जब हुआ ना आयुष तो मैं मामा के साथ क्लिंग करता था तो मामा उसको टाइम नहीं दे पाए तो उसको मेरी वजह से ऑटिज्म हो गया है तो मतलब द होल फैमिली गोज थ्रू अ बिट ऑफ अ ग्रीविंग टाइम होता ही होता बट टली लगा कि मुझे है, कि ये बच्चा बहुत है। ये किसी जंगल में जैसे you know, निकालना ये आ जाएगा सो so, लोगों को लगता था डिनाइल में है तो बड़ा कोशिश करते थे देखो क्या हमने सुना सो आप इंटरप्ट कर रहे हो सॉरी बट आई वॉन्ट टू टेल यू की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बता रहे हो जो भी सुन रहे हैं उनको ये है कि एक मदर का और एक फादर का जो अंदर से आवाज़ आती है ना वो सबसे स्ट्रॉगेस्ट होती है कल्चरल कंडीशनिंग होती है ऑटिज्म लाइफ लॉन्ग है ऑटिज्म ये है ऑटिज्म वो है ऑटिज्म ऐसा है ऑटिज्म वैसा है बट अगर हम अपने आप के अंदर की आवाज़ को पकड़कर अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे शायद हर एक बच्चा आपके बच्चे जैसा आगे बढ़ेगा या मौली के बेटे जैसा या और कितने बच्चे हैं जो आगे बढ़कर काफी कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि मेरी भी इंस्पिरेशन उन लोगों से आई जो जिनके बच्चे कुछ बन पाए और जैसे कैथरीन मॉरिस की जो मैंने पहली किताब पढ़ी मैंने कहा इसके तो तीन में से दो बच्चों को ऑटिज्म और देखो कहां पहुंच गए और हम लोगों को देखना चाहते हैं जिनके बच्चे अब अच्छे कर रहे हैं दे बिकम आर लाइक यू नो ये हमारी गाइडलाइन है और हमारे हाँ, हाँ, बन जाते हैं हाँ। तो रीना आप हैं डॉक्टर विभा कृष्ण मूर्ति है कामनी लखानी है बट दीज दीज वे लाइक सक्सेस स्टोरीज ना तो बस उसी को देख के चलना है एंड इवन इन माई डार्केस्ट मोमेंट्स ना मेरे दिमाग में क्या इमेज आती थी कि आयुष इक्कीस साल का हो गया है यूनिवर्सिटी में अपनी टोपी उछाल रहा है वो काला क्लोक वो काला पहन के मेरे जो हमेशा इमेज आती थी तो चाहे कुछ भी हो जब भी मतलब काले बादल छाते थे ना मतलब बहुत ज्यादा इंसान वो वलकिनों की तरह बर्स्ट होने लगता है मैं वही इमेज देखती थी और मैं कहती थी लड़का पहुंच जाएगा जिम्मेदारी मेरी है इसमें है वो कैपेबिलिटी जिम्मेदारी मेरी है सो आई थिंक है वो हाई आई क्यू बच्चा था है तो आई थिंक एंड जैसे रीना uh, एक और बात पेरेंट्स को बताऊं मैं ये देखती थी कि मेरे पास कितने एडवांटेजेस हैं एक बड़ा बच्चा है जो रेडीमेड मॉडल है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है मुझे नौकरी करने की जरूरत वो नहीं है माई हजबेंड सपोर्टिंग और फैमिली इज सपोर्टिंग मी अगर इस सब एडवांटेजेस के बावजूद मेरा बच्चा अच्छा नहीं नहीं करेगा तो गलती मेरी होगी और किसी की very, very क्योंकि कई बार क्या होता है ना हम वो चक्कर में फंस जाते हैं और फिर अरे ये ऑटिज्म की वजह से हो गया अरे इसके वजह से हो गया उसकी वजह से हो गया और हम जितना आई मीन आई एम नॉट सिंग मदर्स अपना और फादर्स अपना नहीं दे रहे हैं हाँ बिल्कुल भी नहीं बट आई फील एवरी चाइल्ड हैज द पोटेंशियल डेफिनेटली एवरी चाइल्ड हैज द पोटेंशियल मुझे बताना ये जो चेंजेस फिर आयुष में आने लगे जो जिब्रिश बोल रहा था तो फिर वो कैसे कितना टाइम लगा बराबर बोलने में मतलब क्या कैसे था प्रोग्रेस बहुत एफर्ट मेहनत थी या बहुत ईजी था कैसा था सो so, uh, जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर विभा कृष्ण मूर्ति वॉज गाइडिंग मी वो मुझे छः छः महीने में मिलती थी उन्होंने कहा रीना सिंह को मिलो तो मैंने रीना सिंह जी को फोन किया तो वो तो uh, अपॉइंटमेंट का टाइम ही नहीं था तो मैंने कहा मैम जब भी कैंसलेशन होगी मुझे फोन करना मैं बच्चे को स्कूल से निकाल के भाग के आऊंगी और वही हुआ एंड जो मैं पहली बारी आपको मिली हूँ और जो आपका मैंने देखा काम इसके साथ मैं हैरान हो गई कि आपके साथ ये कैसे एंगेज कर रहा है ये कैसे हुँ. आपको रिस्पोंड कर रहा है कैसे अटेंटिवनेस इसकी आ रही है मेरे साथ भी करता था बट नॉट इन अ स्ट्रक्चर जैसे आपने तो उसको बिठा दिया काम करा दिया तो मेरे साथ तो भाग जाता था तो वो जब मैंने देखा मैंने वहीं मैं घर आई हूँ एवरीबडीज मी ये कौन सी चाबी आपको मिली ये बच्चा चेंज कैसे हो गया मैंने कहा बस मैंने सीख लिया इसको एको ले लिया है रीना ने समझाया है बच्चे की तरफ से बात करो इसको मत बोलो से तुम इसकी आवाज बन जाओ एंड फ्रॉम दैट डे जो है क्या चीज इग्नोर करना है जिब्रिश बोल रहा है उसको ध्यान मत लाओ उस पे तुम बोलो क्या बोलना चाहिए बच्चे को तो ये तो छोटी छोटी चीजें आपने बताया इसका हाथ ऐसे लेके इसको बोलो आई वॉन्ट ये सिंपल सिंपल चीजें स्टार्ट की बहुत मुश्किल था बट आई थिंक क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा वाला बाय वाज गोइंग टू फुल डे स्कूल तो मेरे को इसके साथ बहुत टाइम मिला पेरेंट्स का स्ट्रगल होता है अगर दूसरा केड है उसको भी ध्यान देना है Whereas मेरा बड़ा वाला तो सुबह बजे गया तो ढाई गेट द होल मॉर्निंग सो आई थिंक आई टू गेट अप इन द मॉर्निंग और प्लान करती थी और जितनी भी किताबें लाई थी हमने इतनी अच्छी अच्छी किताबें जिनमें दिया था आप गोल्स आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स <laughs> वो मैंने संभाल के रखे हैं प्रोसेस so बहुत बहुत मेहनत लगी बट क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता था तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती थी और काम करने की तो कितना टाइम लगा जैसे अगर तो, पौने तीन आ, साल तो, के करीब हाँ, तो, uh, साढ़े सात पे आई रिमेम्बर वेन यॉज सेवन एंड हाफ इयर्स और मैं जब डॉक्टर कृष्ण मूर्ति के पास गई तो उन्होंने कहा सीमा आज अगर हम डीएसएम एस फोर क्राइटेरिया इस पे अप्लाई करेंगे ऑटिज्म नहीं आएगा मगर ये लाइफ लॉन्ग चीज है इट लुक्स मोर लाइक एस्परगस अभी क्योंकि अब काफी कुछ बोल रहा है यू you नो know, देखता है जवाब देता है सो आई थिंक 7 एंड हाफ तक जो स्ट्रगल था वाज कि इसमें वो कम्युनिकेटिव इंटेंट आना स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन आना खुद से ये बोल पाना प्रोटेस्टिंग रिक्वेस्टिंग जो आप अपने फाउंडेशन दी थी डॉ कृष्णमूर्ति ने डॉ आमनी, लखानी की ट्रेनिंग्स, माय गॉड, बिहेवियर पे इतनी अच्छी ट्रेनिंग इतने दिमाग में आ, समझ आई कंडीशन कैसे करते हैं बच्चे को सिखाते कैसे हैं बट सेवन एंड हाफ तक इसमें वो आ गया था कि ये अब एक स्कूल सेटिंग से सीख सकता है दूसरों को देख के ऑब्जर्व करके जैसे एक टिपिकल चाइल्ड स्कूल में बैठता है ये अब सीखने के काबिल हो गया तो मेरा काम जो था इसको वो स्टेप तक लाना तो वो हो गया सो मीन मेन स्ट्रीम स्कूल से निकाल के स्पेशल स्कूल में डाला था जब ये तीन साल का था इसको तो ऑटोमेटिक मिल गया एडमिशन क्योंकि बड़े भाई को था वो स्कूल में आर्य विद्या मंदिर में बट मैंने इसको छ पे निकाल के स्पेशल स्कूल में डाला वहां पे मुझे लगा बहुत अच्छा किया मैंने कि ही स्टार्टेड गेटिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्पीच थेरेपी भी वहां पे स्पीच एंड ड्रामा पेट थेरेपी बहुत सारी आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज अब मेरा इतना ही काम था कि इसको वो स्टेज पे लाया अब जो स्कूल दे रहा है वो इसको कराते रहू, कराते रहो रहो एंड कृष्ण मूर्ति क्या बोल रही है उसको फॉलो करो खुद से जो पढ़ा लिखा वो फॉलो करो तो आई थिंक साढ़े सात तक फ्रॉम द थ्री टू सेवन एंड हाफ दिन रात की मेहनत गई है उसके बाद फिर पढ़ाई की मेहनत लेकिन उसके बाद क्या फ्रेंड्स बनाने में फ्रेंड्स के साथ बातें करने में इंटरेक्शन में सोशल नॉर्म समझना एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज जो ज्यादातर जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं वैसे वाले स्पीड ब्रेकर्स उसके बाद साढ़े सात के बाद आए थे बहुत बहुत सारे थे बिकॉज जब इसको स्पेशल स्कूल में डाला वहां सिर्फ ही फ्रॉम अ क्लास साइज जो आर्य विद्या मंदिर में चालीस पचास बच्चे होते थे टू फाइव चिल्ड्रन तो पांच छह बच्चे मगर वो स्कूल जो था इनको आपस में काफी एंगेजमेंट कराता था फिर ये बिल्डिंग के बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था और एक टाइम आया जब बड़ा वाला भी कहने लगा मामा ये मेरे, इसके साथ मत भेजा करो मेरे साथ क्योंकि ये कुछ नहीं करने देता और ये वापस वही बोलता है हंसता है कुछ करता है स्टिमिंग बहुत करता था तो मैंने कहा इस पे भी कितनी देर तक कि ये डालू बोझ नो बड़े वाले पे भी तो एक बच्चा आया एक बच्चा आया इस बिल्डिंग में दुबई से एंड मैं तो शुक्र मानती हूं कि वो लड़का आया और उसके साथ मैंने काफी पियर प्ले कराया इसको और आयुष उसको इतना मारता था इतना मारता था मगर वो लड़का तो भी इतना क्यूट था तो बहुत कुछ इस उस बच्चे के साथ इसको नेगोशिएशन इसको टॉकिंग और मैं इसको किसी के घर ले जाती थी वहां मैं वो एक लड़की बहुत स्वीट थी इससे बड़ी लड़कियां हमेशा एक वो तेज नहीं होती है नर्चरिंग सा होता है देखेंगी और इतना उसको मैं मस्का लगाती थी अरे श्रेया बेटा आपके साथ तो इतना अच्छा खेलता है उसके लिए चीजें ले जाना और मैं वहां लिखती थी श्रेया ने क्या पूछा और इसने क्या जवाब दिया और इसको घर आके वैसे ही सिखाती थी वही गेम खेल के कि ऐसा बोले श्रेया तो ऐसा बोलना फिर अगली बारी ले जाके देखती थी कुछ इसने बदलाव लाया तो एक Uh, वो अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग गेम वो लिखना उसको सिखाना क्योंकि इतनी किताबें नहीं थी इंटरनेट नहीं था तो अपने इंट्यूशन से जो किया बट दैट बॉय बिकॉज़ ऑफ हिम ही पिक्ट नेगोशिएशन की पहले तो उसको मार देता था कि मेरे को यही खेलना है एक ही गेम हमेशा खेलनी है तो बच्चा नहीं मानेगा वो कहता था मुझे ये खेलना है तो झगड़ा मारपीट शुरू गो अवे नेवर कम बैक गो तो फिर उसको वापस लाना फिर इसको सिखाना कि उसको बोलो दस मिनट तुम खेलो दस मिनट मेरा गेम खेलो ऐसे कर करके सो देर लॉट एंड लॉट ऑफ वर्क विच वॉज डन एंड लॉट ऑफ स्टिम्स वुड हैपन लॉट्स ऑफ थिंग्स वुड हैपन क्राइंग बारह साल की एज तक भी रोना 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 सो आई डोंट थिंक इट्स अ इजी प्रोसेस रीना बट uh, सीखने में भी जब बच्चा सीख जाता है ना तो वो भी है सो यू हैव टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप